क्लास 10th का चैप्टर लाइट हमने एनसीईआरटी पूरा रीडिंग कर लिया है। अब आती है उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। लास्ट आर्टिकल जो हमने रीड किया था 10.3.8, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्या होती है डेफिनेशन? वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस इज पावर ऑफ लेंस फॉर विच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है वो तो हमें प्लस माइनस से पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहाँ रखी होगी? -50 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, क्योंकि सेम साइज की अगर इमेज आपको चाहिए, इक्वल साइज की इमेज चाहिए, तो आपको कहाँ रखनी पड़ेगी? 2f पे। तो ये जो 2f पे रखा होगा उतनी, ये इमेज अगर 2f पे है तो ऑब्जेक्ट भी 2f पे रखा होगा। ठीक है ना, इसलिए -50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा होगा हमने। एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। बड़ा ही सिंपल है, एफ इज इक्वल टू सॉरी पी इज इक्वल टू 1/f। डायरेक्ट रखिए, पी इज इक्वल टू 1/f, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 100/50। ठीक है ना, और सॉरी लेकिन इसकी फोकल लेंथ चाहिए हमें, तो ये 50 इसकी फोकल लेंथ नहीं है, ये 2f है। तो f कितना हुआ? f हुआ 25। ठीक है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है, तो प्लस का 25, तो हमें मिला प्लस 4 डायोप्टर, प्लस 4d हमारी पावर हुई। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। सिंपल है, पी इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ कैसी होगी? माइनस की होगी, क्योंकि कॉनकेव की है, सो मीटर में है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो -0.5d ये पावर हो गई आपकी कॉनकेव लेंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज शुरू हो गई है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक द लेंस। लेंस बनाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट या एटलीस्ट सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। ठीक है, मटेरियल कैसा चाहिए? ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट। अब वाटर, ग्लास और प्लास्टिक जो है वो तो ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट में आ जाएंगे, बट क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट में नहीं आता है, इसलिए क्ले से आप लेंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज इज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिए, कॉनकेव मिरर से बना रहे, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। कब बनती है? कॉनकेव मिरर से बनने वाली सारी इमेजेस रियल होती है, केवल एक ही कंडीशन में कॉनकेव मिरर से वर्चुअल या इरेक्ट इमेज बन सकती है। ठीक है, और वो कौन सी होती है? जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो देखो कहाँ है फोकस, तो है यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी ऊपर किया था, कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को? कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कि रियल इमेज मिले और सेम साइज की मिल जाए। तो कहाँ पे रखें? ट्वाइस ऑफ फोकस, 2f पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थीन स्फेरिकल लेंस। एक स्फेरिकल मिरर लिया, एक स्फेरिकल लेंस ले लिया, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, देखो इसमें -15 सेंटीमीटर दिया है, ये स्फेरिकल मिरर पूछा है और ये स्फेरिकल लेंस पूछा है, दोनों कैसे हैं? -15 सेंटीमीटर लेंस फोकल लेंथ के, तो दोनों कैसे होंगे? क्या दोनों कॉनकेव हैं? क्या दोनों कॉन्वेक्स हैं? द मिरर इज कॉनकेव एंड लेंस इज कॉन्वेक्स। द मिरर इज कॉन्वेक्स एंड लेंस इज कॉनकेव। नहीं, दोनों ही कॉनकेव होंगे। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, कौन सा मिरर ऐसा होता है, वो मिरर होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप कितनी भी दूर खड़े रहो आपको हमेशा ही इरेक्ट इमेज मिलेगी, ये तो एक बात हो गई। लेकिन क्या कॉन्वेक्स में भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कॉन्वेक्स में भी ऐसा हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो ये आंसर मैंने गलत लगाया है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है, योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, इरेक्ट इमेज मिलनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स में भी हमेशा इरेक्ट मिलती है और प्लेन में भी हमेशा इरेक्ट मिलती है, कॉनकेव में इन्वर्टेड भी बन जाती है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, द विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो देखो क्या चाहिए हमें, सीधे चाहिए और लार्जर चाहिए, मतलब इरेक्ट और लार्जर। इरेक्ट और लार्जर इमेज केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है, लेकिन कब, जबकि उसकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव तो बिल्कुल सही नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉनकेव तो सही नहीं है। अब इस वाले में, दोनों में जो कॉन्वेक्स दिया है इसमें कौन सा करेक्ट है? तो देखो 5 सेंटीमीटर जो होता है ये तो बहुत ही पास हो जाता है, हमारी आंखों के बहुत ही ज्यादा पास है, इतनी पास रख के हम कोई भी डिक्शनरी नहीं पढ़ते हैं। हम कितनी दूर रखते हैं, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हमारे लिए क्लियरली विजन हो इसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंस का अगर हम लेंस ले लें, फोकल लेंथ का लेंस ले लें, तो हम 25 सेंटीमीटर पे रख सकते हैं और ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। आगे ही बात समझ में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं।